दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमा को अपने माता पिता के घर में रहते हुए करीब 15 दिन हो चुके थे। इस दौरान उसका अपने पति राकेश से किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं रहा था। उस शाम राकेश को अचानक घर आया देखकर वह हैरान हो गई। बेटी, आपसी मनमुटाव को ज़्यादा लंबा खींचना खतरनाक साबित हो जाता है। राकेश के साथ समझदारी से बातें करना। अपनी माँ की इस सलाह पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर किए बिना सीमा ड्राइंग रूम में राकेश के सामने पहुँच गई। तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा सीमा, राकेश ने बिना कोई भूमिका बांधे सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा घर मैं छोड़ आई हूँ, सीमा ने भी रूखे अंदाज में अपना फैसला उसे सुना दिया। क्या हमेशा के लिए? राकेश ने उत्तेजित होकर सवाल किया। ऐसा ही समझ लो, सीमा ने विद्रोही स्वर में जवाब दिया। बेकार की बात मत करो, मेरी सहन शक्ति का तार टूट गया तो पछताओगी। राकेश भड़क उठा। मुझे डराने धमकाने का अब कोई फायदा नहीं है, सीमा ने निडर होकर कहा। अगर तुम्हें और कोई बात नहीं कहनी है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। राकेश ने अपनी पत्नी को अचरज भरी निगाहों से देखा। उनकी शादी को करीब 12 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि सीमा ऐसे विद्रोही अंदाज में उससे पेश आएगी। उठकर खड़ी होने को तैयार सीमा को हाथ के इशारे से राकेश ने बैठने को कहा और फिर बताया कि कल सुबह मयंक और शिक्षा हॉस्टल से 10 दिनों की छुट्टी बिताने घर पहुंच रहे हैं। कुछ देर सोच में डूबी रहने के बाद सीमा ने व्याकुल स्वर में कहा, उन दोनों को यहाँ मेरे पास छोड़ जाना। वह दोनों यहाँ नहीं आएंगे, राकेश गुस्से से फट पड़ा। फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं बच्चों से कहीं बाहर मिल लिया करूँगी। यह कैसी मूर्खता भरी बात मुँह से निकाल रही हो? तुम्हारे बच्चे 4 महीने बाद घर लौट रहे हैं और तुम उनके साथ घर रहने नहीं आओगी। तुम्हारा यह फैसला सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अपने बच्चों के साथ कौन माँ नहीं रहना चाहेगी? सीमा का अचानक गला भर आया। मैं अपने फैसले से मजबूर हूँ, मुझे उस घर में लौटना ही नहीं है। हम अपने झगड़े बाद में निपटा लेंगे सीमा, फिलहाल तो बच्चों के मन की सुख शांति के लिए घर चलो। तुम्हें घर में ना पाने का सदमा वे दोनों कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब वे दोनों बहुत छोटे बच्चे नहीं रहे। मयंक 10 साल का और शिखा 8 साल की हो रही है। उन दोनों को बेकार की मानसिक कष्ट पहुँचाने का फ़ायदा क्या होगा? राकेश ने चिढ़े से अंदाज में उसे समझाने का प्रयास किया। एक दिन तो बच्चों को यह पता लगेगा ही कि हम दोनों अलग हो रहे हैं। यह कड़वी सच्चाई उन्हें इस बार ही पता लग जाने दो। उदास सीमा अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसा हुआ ही क्या है हमारे बीच जो तुम यूँ अलग होने की बकवास कर रही हो? राकेश फिर गुस्से से भर गया। मुझे इस बारे में तुमसे अब कोई बहस नहीं करनी है। इस वक्त सहयोग करो सीमा। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर झुकाए सोच में डूबी रही। राकेश ने अंदर जाकर अपने सास ससुर को सारा मामला समझाया। मयंक और शिखा की खुशियों की खातिर वह अपनी नाराजगी व शिकायतें भुलाकर राकेश की तरफ हो गए। सीमा पर ससुराल वापस लौटने के लिए अब अपने माता पिता का दबाव भी पड़ा। अपने बच्चों से मिलने के लिए उसका मन पहले ही तड़प रहा था। अंततः उसने एक शर्त के साथ राकेश की बात मान ली। मैं तुम्हारे साथ बच्चों की माँ के रूप में लौट रही हूँ, पत्नी के रूप में नहीं। पति पत्नी के टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं करोगे तो ही मैं वापस लौटूंगी। बड़े गंभीर होकर सीमा ने अपनी शर्त राकेश को बता दी। अपमान का घूंट पीते हुए राकेश को मजबूरन अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। बच्चे कल आ रहे हैं तो मैं भी कल सुबह घर पहुँच जाऊँगी। अपना निर्णय सुनाकर सीमा ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चली आई। सीमा के व्यक्तित्व में नज़र आ रहे जबरदस्त बदलाव ने उसके माता पिता व पति को अचंभित कर दिया था। उस रात सीमा की आंखों से नींद दूर भाग गई थी। पलंग पर करवटें बदलते हुए वह अपनी विवाहित जिंदगी की यादों में खो गई। उसे वे घटनाएं व परिस्थितियां रह रह कर याद आ रही थी जो अंततः राकेश व उसके दिलों के बीच गहरी खाई पैदा करने का कारण बनी थी। उस शाम ऑफिस से देर से लौटे राकेश की कमीज के पिछले हिस्से में लिपस्टिक से बना होंठों का निशान सीमा ने देखा। अपने पति को उसने कभी बेवफा और चरित्रहीन नहीं समझा था। सच्चाई जानने को वह उसके पीछे पड़ गई तो राकेश अचानक गुस्से से फट पड़ा था। हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक दूसरी लड़की है, सीमा के दिल को गहरा जख्म देते हुए उसने चिल्लाकर कबूल किया। उसकी खूबसूरती, उसका यौवन और उसका साथ मुझे वह मस्ती भरा सुख देता है जो तुमसे मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, उसे नहीं। मेरे सारे गुण
मेरी सेवा और समर्पण को नकार कर क्या तुम एक चरित्रहीन लड़की के लिए मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हो? राकेश के आखिरी वाक्य ने सीमा को जबरदस्त मानसिक आघात पहुंचाया था। उस लड़की के लिए कोई अपशब्द कभी मेरे सामने मत निकालना और न उसे छोड़ने की बात करना। तुम अपनी गृहस्थी और बच्चों में खुश रहो और मुझे भी खुशी से जीने दो। अगले दिन वह ऑफिस नहीं गई। घर छोड़कर मायके जाने की सूचना उसने राकेश को उसके ऑफिस जाने से पहले दे दी थी। तुम जब चाहे लौट सकती हो, मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, यह ध्यान रखना। उसे समझाने मनाने के बजाय उसने उल्टे धमकी दे डाली थी। मैं इस घर में कभी नहीं लौटूंगी, सीमा ने अपना निर्णय उसे बताया तो राकेश मखौल उड़ाने वाले अंदाज में हंसकर घर से बाहर चला गया था। वह उसे तलाक दे देगी पर उसके पास अब कभी नहीं लौटेगी। सीमा की इस विद्रोही जिद को उसके माता पिता लाख कोशिश करके भी तोड़ नहीं पाए थे, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के मन की सुख शांति व खुशियों की खातिर अपने बेवफा पति के घर लौटने को तैयार हो गई थी। सीमा को अगले दिन उसके माता पिता राकेश के पास ले गए। उसने वहाँ पहुँचते ही पहले घर की साफ सफाई की और फिर रसोई संभाल ली। अपने बेटा बेटी के लिए वह उनकी मनपसंद चीज़ें बड़े जोश के साथ बनाने के काम में जल्दी ही व्यस्त हो गई थी। राकेश और उसके बीच नाम मात्र की बातें हुई। दोनों बच्चों को स्टेशन से लेकर राकेश 11 बजे के करीब घर लौटा, तब घर भर में एकदम से रौनक आ गई। मयंक और शिखा के साथ खेलते, हंसते बोलते और घूमते फिरते सीमा के लिए समय पंख लगाकर उड़ चला। दोनों बच्चे अपने स्कूल व दोस्तों की बातें करते ना थकते। उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर सीमा फूली न समाती। जब कभी सीमा अकेली होती तो उदास मन से यह जरूर सोचती कि अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे बताऊंगी कि मैंने उनके पापा को छोड़कर अलग रहने का फैसला कर लिया है। उन हालात को यह मासूम कैसे समझेंगे? मम्मी, पापा बहुत बदले बदले लग रहे हैं इस बार। मयंक ने घर आने के तीसरे दिन दोपहर में सीमा के सामने अपनी बात कही। वह कैसे? सीमा की आंखों में उत्सुकता के भाव जागे। वह पहले की तरह हर बात पर डांटते धमकाते नहीं हैं। और मम्मी, आपसे भी लड़ना बंद कर दिया है पापा ने। शिखा ने भी अपनी राय बताई। मुझे तो इस बार पापा बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। शिखा ने भी भाई के सुर में सुर मिलाया। उस रात सीमा बच्चों के कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो राकेश ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। नो, गुस्से और नफरत से भरा सिर्फ यह एक शब्द सीमा ने मुंह से निकाला तो राकेश की इस मामले में कुछ और कहने या करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगले दिन राकेश ने दोनों बच्चों को कपड़ों व अन्य जरूरी सामान की ढेर सारी खरीदारी खुशी खुशी कराकर उनका मन और ज़्यादा जीत लिया। राकेश शाम को सबसे मशहूर दुकान की रसमलाई लेकर आया। यह सीमा की सबसे ज़्यादा मनपसंदीदा मिठाई थी। वह नाराजगी की परवाह ना कर उसके साथ हंसी मजाक व छेड़छाड़ करने लगा। बच्चों की उपस्थिति के कारण वह उसे डांट डपट नहीं सकी। फिर सब ने एक साथ खाना खाया। सीमा को छोड़कर सभी का मूड बहुत अच्छा बना रहा। बच्चों को सोने के लिए भेजने के बाद वह राकेश से उलझने को तैयार थी, पर राकेश ने पहले से हाथ जोड़कर उससे मुस्कुराते हुए कहा, अपने अंदर के ज्वालामुखी को कुछ देर और शांत रख कर जरा मेरी बात सुन लो डियर। डोंट कॉल मी डियर, सीमा चिढ़ उठी। यहाँ बैठो प्लीज़। राकेश ने बड़े अधिकार से सीमा को अपनी बगल में बिठा लिया तो वह ऐसी हैरान हुई कि गुस्सा करना भी भूल गई। मैंने कल पुरानी नौकरी छोड़कर आज से नई नौकरी शुरू कर दी है। कल शाम मैंने अपनी रखेल से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिया है और अपने अतीत के गलत व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। राकेश का स्वर भावुक था। उसने एक बार फिर सीमा के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे तुम्हारे ऊपर अब कभी विश्वास नहीं होगा, इसलिए इस विषय पर बातें करके न खुद परेशान हो न मुझे तंग करो। न चाहते हुए भी सीमा का गला भर आया। अपने दिल की बात मुझे कह लेने दो सीमा, मैं सचमुच एक घमंडी बददिमाग और स्वार्थी इंसान था जो तुम्हें डराकर अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश करता रहा। फिर तुमने मेरी चरित्रहीनता के कारण मुझसे दूर होने का फैसला किया। पहले मैंने तुम्हारी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि तुम कभी मेरे खिलाफ़ विद्रोह करोगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम माँ होने के साथ साथ मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार व सुगढ़ स्त्री हो। औरतें घर की रीढ़ होती हैं। मेरे पास लौटकर हमारी घर गृहस्थी को उजड़ने से बचा लो प्लीज़। यूँ प्रार्थना करते हुए राकेश का गला भर आया। अपने बच्चों के मायूस सोते चेहरे को देखकर वह रो पड़ी। उसके आंसू खूब बहे और इन आंसुओं के साथ ही उसके दिल में राकेश के प्रति नाराज़गी, शिकायत व गुस्से के सारे भाव बह गए।
आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।